हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप व्हाट्सएप के थ्रू हाई क्वालिटी इमेज, ओरिजिनल क्वालिटी में इमेज कैसे भेज सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को। तो सबसे पहले आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए और आपके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल होनी चाहिए जिसका नाम है व्हाट्सएप ट्विक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो आप उसे डाउनलोड कर लें और उसे इंस्टॉल कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आप व्हाट्सएप से इमेज किसी भी कॉन्टैक्ट को भेजते हैं तो वो उसका ओरिजिनल साइज़ नहीं रहता। जो भी इमेज आप भेजते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाती है, व्हाट्सएप उसको कंप्रेस कर देता है, ओरिजिनल क्वालिटी की इमेज नहीं भेजता। मैं यहाँ से आपको इमेज भेज के दिखाता हूँ। ये इमेज है, अब इसको मैं यहाँ से भेजता हूँ तो ये जा रही है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पहुँच गई है और ये दूसरे कॉन्टैक्ट में पहुँची है 96 KB में। तो अब मैं उस फीचर को इनेबल करता हूँ जिसके थ्रू ओरिजिनल क्वालिटी में इमेज भेजी जाती है। तो आप व्हाट्सएप ट्विक्स जो ऐप है उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपको इसमें व्हाट्सएप ट्विक्स ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेंड फुल रिजोल्यूशन फ़ोटो, इस पर इसको चेक करना है। इस पर टिक करके इसको सेव कर देना है। तो ये हो गया है, डन हो गया है ये। अब उसके बाद आपको एक बार व्हाट्सएप को फोर्स क्लोज करना पड़ेगा ताकि ये चेंजेस इफेक्ट्स में आ जाएं, ताकि ये चेंजेस अप्लाई हो जाएं। तो सेटिंग में जाएं, इंस्टॉल्ड एप्स डाउनलोडेड्स में, और उसके बाद व्हाट्सएप को ब्राउज करके उसको फोर्स क्लोज कर देते हैं। तो मैं यहाँ से इसको व्हाट्सएप को फोर्स क्लोज कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको व्हाट्सएप ओपन करना है दोबारा से। अब चेंजेस जो है अप्लाई हो चुके हैं, तो अब मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अब मैं सेम इमेज को जो है सेंड करूँगा दोबारा से, और इस बार इमेज जो है हाई क्वालिटी में जाएगी वहाँ पर। तो अब देखते हैं, यहाँ से इमेज मैंने सेंड कर दी है। हाँ, ये जा रही है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस बार थोड़ा स्लो जा रही है इमेज। तो ये वहाँ पे पहुँच गई है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पे इमेज पहुँची है अब की बार 3.1 MB में, मतलब कि अब की बार ओरिजिनल क्वालिटी में इमेज पहुँची है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अपना सवाल भेज दें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं। अब मैं आपसे अगली टेक वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।